अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम है मेरे चैनल पे और अनदर व्लॉग में। पहले थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं लाइव। तो काफ़ी दिनों से मैंने लाइव गपशप नहीं की, 2 से 3 डेज़ हो गए। मैं व्लॉग तो बना रही हूँ बट मैं लाइव बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरा सारा फुल फोकस जो होता है ना वो व्लॉग बनाने में होता है। तो मतलब मुझे होता है कि मैं ना ही सामने हूँ, बस जो कंटेंट है, जो बात मैंने बतानी है, जो रेसिपी शेयर करनी है, जस्ट वो शेयर करूँ। तो आज के व्लॉग में है जी, अभी मैं नाइट टाइम स्किन केयर करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को, अपनी बहनों को भी, यूट्यूब फैमिली को भी मोटिवेट करूँ। देखें, इतनी सर्दी है, इस कदर सर्दी है और सारा दिन की थकान के बाद, मतलब कि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है बच्चों के साथ एज अ हाउसवाइफ। हर कोई अपनी अपनी नौयत का बिजी होता है, तो मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी ना स्किन केयर कर सकूं। तो मैं नाइट टाइम मतलब के कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट के साथ, फ्रेंडली बजट प्रोडक्ट हैं जिनके साथ मैं नाइट टाइम करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी सब बहनें या तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के 10 मिनट खुद को दिया करें, या तो रात को मेरी तरह, मतलब कि मैं रात को ना ज़्यादा ब्राइट शाइन करती हूँ, मतलब फ्रेश होती हूँ रात को। तो मैं अपनी जो स्किन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और ग्लोई दिखे, मतलब कि मॉइस्चराइज रहे, सर्दियों में ना ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो हम लोग को पानी पीना है और स्किन को ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखना। कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं मैं करती, मतलब इतना कर लेती हूँ कि स्किन जो है ना मेरी दिखने के काबिल लगे, मतलब कि सर्दी से ठर ठर वाला साफ ना हो। और सबसे पहले मैं धो के आती हूँ फेस वॉश, मैं यूज़ करती हूँ पाउंड्स का फेस वॉश, इतना अच्छा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, मतलब हर टोन के स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं इसको। और सबसे अच्छी बात है, ग्लो लाता है, फेस को नीट कर देता है। चलिए सबसे पहले मैं ये करके आती हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ आके शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी फर्स्ट स्टेप है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर में फेस वॉश करना। फेस को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, अब है फेस को क्लिनजिंग करना। सर्दियों में ना ब्लैक हेड्स बहुत बनते हैं, क्योंकि हम लोग कुकिंग करते हैं और उसके अलावा हम लोग पानी नहीं पीते, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा स्किन में डलनेस आ जाती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी अब, मैं ये क्या है जी, ये है जी मेरे पास डर्माकोज का क्लिंजर, बेस्ट क्लिंजर है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई हो जाता है सर्दियों में स्किन, लेकिन ये गर्मियों सर्दियों में बेस्ट है। ये देखें, अभी मेरी जो फेस है गीला है, मतलब कि सेमी ड्राई भी नहीं, जस्ट गीला है। इसको मैंने अपने फेस पर लगाया, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। और जिस एरिया पे, मतलब कि नोज़ वाली साइड पे, चिन वाली साइड पे आप लोगों के ज़्यादा मेरी तरह ब्लैक हेड्स हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से क्लिनजिंग करनी है चंद सेकंड्स के लिए फोरहेड पे, चंद सेकंड्स के लिए नोज़ पे और चंद सेकंड्स पे फेस पे। इतनी अच्छी स्किन, मतलब नॉर्मल स्किन जो है ना हमारी, आई थिंक सो, ज़रूरी नहीं है कि वाइट हो, हमारी स्किन को नीट होना चाहिए, हमारी स्किन को साफ होना चाहिए। और नेक एरिया को, अपने जो हेड था ना उसको बिल्कुल भी ना भूले आप लोग। आप लोगों ने 5 मिनट्स तकरीबन कर लें, इनफ है। जैसा कि सर्दी है बोला भी नहीं जाता, लेकिन स्किन टाइम, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा हम लोग एज अ हाउस वाइफ मेकअप करके घर में फिरना होता है हम लोगों ने, तो फेस हमारा खूबसूरत दिखना चाहिए। लिप्स पे भी लगा लें ताकि सारी डेड स्किन, पैचेस, ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। हैंड्स पे भी लगा लें, हैंड्स को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, पानी लगा लगा के। देखिए भूत लग रही हो ना, पर जी फेस को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब हम इसको सुखा लेंगे, देखें सारा दिन हम लोग मतलब कि काम करती हैं हम लोग, मुझे तो ना बैठ के पानी पीने का भी टाइम नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना एग्जॉस्टेड नहीं होती, मतलब कि डल नहीं होती। मैं क्या करती हूँ, स्किन केयर कर लेती हूँ इस टाइम, बैठ के अपना खुद बैठ के सुकून से पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ,
क्योंकि एज अ मदर मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने बच्चों को ना बिल्कुल डल होके नहीं बताना चाहिए, हम लोगों को चिढ़ना नहीं चाहिए। मतलब कि आज हम लोग जिस तरह का अपने बच्चों को इनपुट देंगे वैसा ही कल को हमें आउटपुट मिलेगा। तो खुद को इग्नोर कर दें दिन टाइम, लेकिन रात को खुद को भी फ्रेश कर लें। देखिए जी, फेस हमारा हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। अब मैं यूज़ करती हूँ ब्रैकेट स्पिन चिन एरिया पे और नोज़ पे, ठीक है। ये जब हम लोग करते हैं ना क्लींजिंग करते हैं, आप लोग क्लींजिंग किसी भी फेशियल क्लींजर से भी कर सकते हैं या पाउंड का या कोई भी क्लींजिंग मिल्क है उससे भी कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और इतने महंगे भी नहीं हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेरा ब्लैक हेड्स, स्पिन से ब्लैक हेड्स निकालना। नॉर्मली इजीली निकल जाएंगे। अगर आप लोगों को पेन होती है, नहीं इससे आदत, तो आप लोग कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं नोज़ पे और यहाँ पे। ये देखिए, चलिए जी, अब मैं ये निकाल के आती हूँ। ब्लैक हेड्स मैंने निकाल लिया, ठीक है जी। अब आ जाती है लिप्स की बारी, और रात को डेली हम लोगों को ब्रश भी करना चाहिए, ठीक हो गया। सब करते ही होंगे, लेकिन अच्छे से नमक लगा के ब्रश किया करें, रात का ज़रूरी नहीं है, हमेशा टूथपेस्ट से ही करें। जो नमक होता है वो सारा दिन का खाया पिया निकालता है, और जो टीथ होते हैं ना उनसे सारा येलोपन निकालता है और डीपली नीटली वाइट करता है। अब मैंने लगाई है लिप्स वैजलिन पेट्रोलियम जेली, आप लोग लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं, और एक लिया है टिश्यू, और इसको मैं लगा के अच्छे से साफ करूंगी ताकि सारी डेड स्किन निकल आए। पानी ना पीने की वजह से बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। एक दफ़ा और लगाऊंगी। इतना भी नहीं लगाना, बस आराम आराम से ना, ताकि क्लिनजिंग हो जाए। ये देखें, ओरिजिनल इसकी शक्ल बाहर आ जाती है। लास्ट स्टेप है मेरा स्किन केयर में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। मैं पाउंड का ही अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छा है और डीपली अंदर से मॉइस्चराइज करता है और ऑयलीनेस भी नहीं आती, ठीक है जी। थोड़ा सा हथेली पे लिया, हर जगह आप लोगों ने अप्लाई करना जितना आप लोगों को पसंद है। हैंड्स में अप्लाई किया, चंद सेकंड्स लगेंगे ये अब्सॉर्ब हो जाएगा स्किन। ये देखें, इस तरह अगर हम लोग रात को अपने आप को टाइम दे, सारा दिन की थकान उतर जाती है, स्किन भी हमारी फ्रेश रहती है और हम लोगों को खुद को भी अच्छे लगते हैं। देखें, मॉइस्चराइज लगा लिया, ठीक हो गया। अब बारी आती है वैसलीन लगाने की, ठीक है। रात को सोने का टाइम है तो मैं क्या करूँगी, इधर इधर लगा लूँगी ताकि शाइन करे थोड़ा सा इधर, क्योंकि वैसलीन लगाने से ना जैसे हम लोग हाइलाइटर शाइन देता है, वैसलीन भी इसी तरह से शाइन देती है। ये देखिए जी, ठीक हो गया। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट है। लास्ट पे थोड़ी सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं। ले जी, ये थी जी मेरी छोटी सी स्किन केयर, नाइट टाइम की स्किन केयर, जो कि तकरीबन 5 से 7 मिनट की होगी। और मैं करने लगी थी, मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। पर जी स्किन केयर हमारी हुई कंप्लीट, और अब आप लोग भी पानी पीजिएगा। मैं पूरा ग्लास भर के ले आई हूँ, और पानी हमेशा आप लोग आराम आराम से पिया करें, बैठ के सुकून से, चाहे 5 मिनट लग जाएँ चाहे 10 मिनट लग जाएँ, तो स्किन भी हाइड्रेट रहती है और अच्छा रिलैक्स फील करता है, ठीक है जी। ये थी जी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिए, और मैं पीने लगी हूँ पानी। इन्जॉय। होप आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा।